जिला के व्यापार मंडल ने बाजार और शौचालय की समस्याओं को लेकर नगर परिषद से यह मामला उठाया। व्यापार मंडल की माने तो बाजार में जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें शौचालय की सुविधा से महरूम होना पड़ता है, जबकि महिला ग्राहक को शौचालय की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा जो शौचालय बनाए गए हैं वह बेहद खराब स्थिति में है, यहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। इसीलिए व्यापार मंडल ने नगर परिषद के अध्यक्ष से शौचालय और चौकीदार की समस्या का मामला उठाया है, ताकि बाजार में आने वाले ग्राहकों को शौचालय की सुविधा मिल सके। आज हम नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा देवी जी से, मैं और हमारे अध्यक्ष से प्रिंस राजपूत जी पुष्पा देवी जी से उनके कार्यालय में मिले। हमने अपने शहर में जो टॉयलेट की प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे के कस्टमर शहर में आते हैं उनको कोई भी टॉयलेट जाने के लिए नहीं है, जहाँ जो टॉयलेट है वहाँ पर गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है। इस बारे में हमने पुष्पा देवी जी से निवेदन किया है कि उनको रिपेयर किया जाए या कुछ जगहों पर नए टॉयलेट बनाए जाएँ। और दूसरी समस्या शहर में कुछ दिन से देखने को आ रहा है कि चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक शराब के कारोबारी को भी लूटा गया है, जिस कारण हमने पुष्पा देवी जी से निवेदन किया है कि वहाँ पर हमें चौकीदार दिया जाए, जिससे ये भी चोरी की घटना कम हो। और उसके बाद हमने सफाई के बारे में कहा, कुछ जगह पर सफाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में पुष्पा देवी जी को हमने निवेदन किया और उन्होंने आश्वासित किया कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निपटान किया जाएगा। धन्यवाद। सर, आज हम नगर परिषद अध्यक्ष के पास आए हैं कि बाज़ार में कोई टॉयलेट नहीं है। जो कस्टमर आते हैं, जब वो लेडीज़ आती हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, जिनके पास अपना प्राइवेट बाथरूम है वो वहाँ तो हो रहा है, लेकिन जब आम जनता के लिए 90% लेडीज़ के लिए बाथरूम नहीं है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। जो पहले पुराने बाथरूम बने हैं वो टूटे हुए हैं, वहाँ कोई जाता नहीं, गंद पड़ा हुआ वहाँ पे। प्रिंस जी, सुनने में जो सूत्रों से पता चला है कि जो टॉयलेट हैं वो पहले अलॉट हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ इस कारण काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पीछे से पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं, वो तो कमेटी जाने उनका पैसा है या नहीं है, अगर उन्होंने पैसा होता तो टेंडर ना करते, वो अगर टेंडर की तो पैसा था तो उन्होंने टेंडर की है। और हमने एक रिक्वेस्ट ये की है कि शहर में चौकीदार रखे जाएँ, जिससे चोरी की बात कम हो जाए। समस्या उनकी जो मेन थी वो थी शौचालय वाली, तो उसके बारे में हमने इनसे तभी मीटिंग बुला के डिस्कस करी भाई, जो पुराने वाले शौचालय उनकी कंप्लीट करके आपको दे देंगे, और जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, महिलाओं के लिए आ रही है, जेंट्स के लिए आ रही है, वहाँ पे हमें कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैंने पहले भी 3-4 मार्केट वालों से डिस्कस की, तो वो वैसे बोलते हैं कि टॉयलेट बनाएं, पर लेकिन जगह प्रोवाइड कहीं नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उनको बोला कि आप कहीं जगह का बताओ हमें, तो हम टॉयलेट बनाने के लिए तैयार हैं, हम बैठे हुए हैं कमेटी के लिए, तो अपनी पब्लिक की समस्या दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर बोलते हैं कि जी जगह की तो बड़ी दिक्कत है, तो कैसे बनाएं। तो अब आप बताओ भाई, हम जगह के बिना कैसे काम करें? शहर हमारे से कोऑपरेट करेगा तो हम हर बातें मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम इसीलिए बैठे हुए हैं कमेटी में कि जो हमारी पब्लिक को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मैडम, कुछ दिन पहले SDM महोदय खुद बाजार में उतरे थे, तो उन्होंने लोकेशन बताई थी एक आपके नगर परिषद अधिकारियों को, तो क्या आपके ध्यान में है मामला? कौन सी लोकेशन? टॉयलेट के लिए? हाँ वो है, हाँ नीचे पुल के पास, जो अरविंद मार्केट खत्म होती है वहाँ पुल के पास बताई थी उन्होंने, तो उसके लिए जैसर सभी डिस्कस हुई, हम मौका देखेंगे, अगर वहाँ बन सकता तो हम जरूर जल्दी से जल्दी बनाने का। ये कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा जी? समस्या का समाधान अभी हम जाके मौका देखते हैं, फिर अगर मार्केट वाले एग्री हो जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी ही शौचालय का प्रावधान करके इनको दे देंगे। व्यापारी वर्ग ने एक चीज़ और बोली है कि जब टेंडर हुआ था तो उसके बाद पैसा नहीं दिया गया ठेकेदारों को शौचालय के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बात के बारे में अभी मेरे को 2 महीने हुए यहाँ पे बैठी हुई, वो पुरानी वाली कमेटी ने जो किया होगा मेरे ध्यान में नहीं है, उन्होंने पहले पुराने टेंडर लगाए होते, अभी नए हमने कोई टेंडर नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है यहाँ कमेटी में पैसा नहीं है जी। प्रधान चेयरमैन जी, इन दिनों कूड़े की बड़ी समस्या आ रही है, क्या कारण है कि जो हमारा ऊना है फिर दोबारा ये कूड़े की ढेर के ऊपर खड़ा हो गया है?
कूड़े की समस्या ऐसी है कि लोग भी कुछ हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमने तो बढ़ चढ़ के गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, अभी 5 रिक्शे हम दूसरे लेके आए साइकिल वाले, तो 10-8 हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो कूड़ा हर रोज का रोज उठाया जाता है, एक संडे को नहीं उठाते हैं। लेकिन जो हमारा जो नगर परिषद का कूड़ा है वो तो उठाया जा ही रहा, लेकिन जो बाहर के पंचायतें कूड़ा फेंक रही हैं उसके लिए हमने डिस्कस करी है, वीडियो को भी लेटर भेजे हुए हैं डीसी साहब से कि हमारी डिस्कस हो गई है और वो अपने कूड़े का इंतजाम कर लें। हम तो ये भी उनको बोल रहे हैं कि आप अपनी ट्रॉली लगा के ही कूड़ा उठा लो। तो नगर परिषद इसके लिए हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कूड़े की, तो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, हम कूड़ा उठा रहे हैं हर जगह से। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की रिपोर्ट।